यूनिवर्सिटी के पीआरओ द्वारा पत्रकारों के साथ की गई बदसलूकी को लेकर पत्रकारों में आक्रोश व्याप्त हो गया। पत्रकारों ने इस अभद्रता के खिलाफ वीसी को ज्ञापन सौंपा है। आए दिन पत्रकारों के साथ हो रहे उत्पीड़न एवं बदसलूकी को लेकर मीडिया जगत में काफी आक्रोश व्याप्त है। पत्रकारों के साथ ऐसी बदसलूकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पीआरओ ने की। इस मामले में अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के पीआरओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। देखिए, बहुत ही अफसोस की बात यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जैसे यूनिवर्सिटी, जो एक सेंटर की यूनिवर्सिटी है, जहां जो तालीम और तहजीब के नाम से जानी जाती है, इस यूनिवर्सिटी के पीआरओ जिसका नाम उमर सलीम पीरजादा है, जुमे के रोज़ का वाकया है, 8 तारीख का, मैं पीआरओ ऑफिस में खबर के मुताबिक गया था। पीआरओ ऑफिस में जैसे ही मैं दाखिल हुआ था होता हूँ तो पीआरओ उमर सलीम पीरजादा पीछे से मुझे बदतमीजी से बुलाता है कि ए हलो हलो यहाँ 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 करके उसने मुझसे कहा कि ये मेरा ऑफिस है, मेरी मर्जी के मुताबिक कोई इसके अंदर नहीं घुस सकता। तो फिर मैंने उनसे ये कहा कि ये सरकारी ऑफिस है, सरकारी दफ्तर है, और सरकारी दफ्तर जो होता है वो सबका होता है, तो मेरा इस पर हक है, और मैं खुद एक रिपोर्टर हूँ, पढ़ा लिखा रजिस्टर्ड रिपोर्टर हूँ, आप इस तरह मुझसे बात नहीं कर सकते। उसके बाद उसने अपने बात करने का तरीका जो था, चीखना चिल्लाना मुझ पर शुरू कर दिया, नहीं नहीं मेरा ऑफिस है, तू मेरे ऑफिस में नहीं आ सकता है, मुझे सलाम नहीं करता है, मेरी खबर नहीं चलाता है, मेरी बाइट नहीं लेता है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो ये देख लूंगा। उसने मुझे बहुत कुछ कहा। ये सारी बातें यूनिवर्सिटी के पीआरओ ऑफिस की हैं। उस वक्त पीआरओ ऑफिस के सारे मुलाजमीन वहाँ मौजूद थे, प्रोफेसर शाफे कदवी के अलावा और भी लोग वहाँ मौजूद थे। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ इस बात का, मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गया था कि कैसे एक रिपोर्टर के साथ यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी के पीआरओ मुझसे बदतमीजी कर सकते हैं। इसके बाद मेरे सहयोग में अलीगढ़ जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी रिपोर्टर्स हैं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, मीडिया के लोगों ने एक मेमोरेंडम दिया है प्रोफेसर के नाम, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि किसी भी रिपोर्टर के साथ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो मेरे भी एडमिनिस्ट्रेशन से, इंतजामिया से दरख्वास्त है कि इस मामले को संगीन सीरियस लें और इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करें, ताकि रिपोर्टर के साथ कोई भी बदतमीजी कहीं भी होगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और सारे रिपोर्टर एक साथ हैं। यूनिवर्सिटी के पीआरओ उमर पीर द्वारा हमारे एक पत्रकार साथी हैं, उनके साथ मिसबिहेव किया गया, ऑफिस में बदसलूकी की गई, गाली गलौज किया गया उनके, इन तमाम परेशानियों को लेकर एक ज्ञापन हम लोगों ने प्रॉक्टर महोदय को सौंपा है और अपेक्षा और उम्मीद उनसे की है कि निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से पिछले दिनों में देखने को मिल रहा है कि मेडिकल कॉलेज में कोई भी घायल या गनशॉट इंजरी कैसा भी व्यक्ति पहुंचता है, उसे कवर करने के लिए पत्रकार साथियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इन तमाम बातों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया था और मैं अपेक्षा और उम्मीद प्रॉक्टर साहब से करता हूँ कि पीआरओ जो हैं, जो मिसबिहेव कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और साथ ही जो मेडिकल कॉलेज की लंबे समय से समस्या चली आ रही है, उस समस्या का भी हमें समाधान दिया है। डॉक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि वो उच्च स्तरीय इसकी एक जांच कमेटी बना रहे हैं और जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। क्या धरना प्रदर्शन करने का भी प्लान था आपका? देखिए, अगर हमारी ये मांगे पूरी नहीं हुई तो निश्चित तौर पर पत्रकार साथी सभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर धरने पर बैठेंगे। बता दें कि पूरा मामला जनपद अलीगढ़ के मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है, जहां बीते दिनों एक प्रतिष्ठित चैनल के पत्रकार के साथ यूनिवर्सिटी के पीआरओ उमर सलीम परिजादा ने अभद्रता की। उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए देख लेने की धमकी दी। इस मामले के सामने आने पर पत्रकारों में आक्रोश व्याप्त हो गया। इस संबंध में अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति ने कुल सचिव को ज्ञापन सौंप कर कार्यवाही की मांग की। समिति ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पीआरओ के खिलाफ यदि कार्रवाई नहीं की गई तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा, जिसका जिम्मेदार यूनिवर्सिटी प्रशासन होगा। भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के बैनर तले आज एएमयू के प्रोक्टर बसीम अली को एक ज्ञापन दिया गया। उसमें कारण यही बताया है कि जो हमारे ईटीबी के साथी हैं सुहेल भाई, उनके द्वारा जो यूनिवर्सिटी के पीआरओ उमर पीरजादा द्वारा उनके द्वारा मिसबिहेव किया गया, इसी के चलते हमने जो है प्रोक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया है। हालांकि प्रोक्टर महोदय ने साफ तौर से ये कहा है कि अभी यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है, इसके बाद में एक वो जांच कमेटी गठित करेंगे और जांच कमेटी गठित करने के बाद जो प्रोक्टर जो लगातार उनके द्वारा मिसबिहेव किया जा रहा है, कुछ ना कुछ उनके अब यूनिवर्सिटी इंतजामिया के द्वारा कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में प्रोक्टर वसीम अली ने बताया कि पत्रकारों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी के पीआरओ पर बदसलूकी का आरोप लगाया गया। इस मामले में शीघ्र कार्रवाई की जाएगी, पत्रकारों के साथ किसी भी तरह का बुरा बर्ताव नहीं होने दिया जाएगा। रखा है जो उन्होंने हमारे मौजूदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पीआरओ हैं, उनके बारे में कुछ उनसे शिकायतें उनको हैं, उन्होंने अपने इस ज्ञापन में लिखा भी है।
मैं उसको भी देखूंगा, उसके बारे में इंक्वायरी करूंगा और इंक्वायरी करने के बाद जो बातचीतें होंगी वो मैं वाइस चांसलर साहब से डिस्कस करूंगा और कोशिश ये मैं करूंगा कि हमारे यूनिवर्सिटी और हमारे जो पत्रकार हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, उनके बीच में ये क्वार्डियल और कंजीनियल रिलेशन रहे। उसकी वजह यह है कि हम सभी लोग जो काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के लिए काम कर रहे हैं, आप लोगों का हमेशा एक बहुत अहम रोल रहता है, इसलिए हम बिल्कुल ये नहीं चाहते हैं कि हमारे और आपके बीच में कोई ऐसे बात हो जिसकी वजह से हमारे और आपके संबंध में कोई ख़राबी आए। तो मैं उस पर भी पूरी तरीके से कोशिश करूँगा कि आइंदा ऐसी बातें ना हों और जो हुई हैं वो चीज़ें भी रिपेयर हों और आइंदा ऐसी चीज़ें ना हों, हमारे और पत्रकारों के बीच में एक भाईचारगी बनी रहे और उसके बने रहने से यूनिवर्सिटी के लिए भी बहुत ही फायदेमंद रहेगा। डेली इंसाइडर के लिए अलीगढ़ से आकाश सोनी की रिपोर्ट।